हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शार्प पॉलीमर्स आईपीओ लिमिटेड के फर्स्ट डे आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखेंगे फर्स्ट डे आईपीओ के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया, रिटेल का कोटा कितना भरा, और साथ साथ में देखेंगे इस आईपीओ के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है टोटल ओवर इन ऑल, और साथ साथ में ये भी देखेंगे इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। चलो देखते हैं शार्प पॉलीमर्स लिमिटेड का आईपीओ का फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शंस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं शार्प पॉलीमर्स आईपीओ के लाइव सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज इसका फर्स्ट डे था, देखा जाए तो फर्स्ट डे इसका जो सब्सक्रिप्शन आया है, करीब करीब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए इसके अंदर अभी तक 0.38 टाइम्स आ चुका है फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के बारे में बात करते हैं, देखा है तो करीब करीब इसके अंदर 1 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और जो अबव 10 लाख इसके अंदर थे, देखा जाए तो करीब करीब 1.12 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और जो बिलो 10 लाख तक देखा जाए तो 0.74 टाइम्स भी सब्सक्रिप्शन आ चुका है। और रिटेल के बारे में बात करते हैं, हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका भी देखा जाए तो 2 टाइम्स सब्सक्रिप्शन आ चुका है, यानी ये कह सकते हैं रिटेल 2 गुना भर चुका है। ओवरऑल आईपीओ को देखा जाए तो करीब करीब सब की सब इसके अंदर 1 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, रिटेल भी 2 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और क्वालिफाइड देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 0.38 टाइम्स हुआ है। क्वालिफाइड का ऐसा है कि वो लास्ट दिन आखिरी दिन थर्ड दिन देखने को मिलता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल का, वो भी दोपहर में 1 और 2 के बाद। और देखते हैं टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो देखा जाए तो करीब करीब 0.86 टाइम, यानी ये कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर 1 टाइम करीब करीब ओवर सब्सक्रिप्शन आ चुका है। चलो आईपीओ के और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक करते हुए चलो हम बात करें शार्प पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसके अंदर जो शेयर्स अभी तक ऑफर हुए हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो 19 करोड़ है, और एचएनआईएस का देखा जाए तो 9 करोड़ है, और रिटेल का देखा जाए तो करीब करीब इसके अंदर 6 करोड़ है, यानी टोटल ये कह सकते हैं इस आईपीओ के अंदर 36 करोड़ के इसके अंदर बचा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी 30 करोड़ का माल मतलब शेयर्स ऑलरेडी इसके अंदर 30 करोड़ का माल ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर के जरिए जा चुका है, और बचा है 36 करोड़ का। 36 करोड़ के अंदर ही ये पूरा खेल हम लोगों को खेलना बाकी है। अभी देखते हैं 3 दिन अभी बाकी है, 3 दिन इसका सब्सक्रिप्शन और बाकी है। आज इसका फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे देखा जाए तो करीब करीब 1 टाइम सब्सक्रिप्शन आ चुका है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो QIB का है इसके अंदर ऑफर हुआ है, और क्योंकि QIB का 75% कोटा रखा गया। चलो देख लेते हैं आईपीओ को, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं और इसके अंदर आज के डेट में शाम तक क्या प्रीमियम चल रहा है वो करें। शार्प पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में देखा जाए तो ये 30 तारीख को आया था, यानी आज के दिन इसका फर्स्ट डे था, 4 तारीख को इसका लास्ट डे है, 4 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये रखा गया, आईपीओ प्राइस 1 से 65 के बीच में रखा गया। लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं, करीब करीब देखा जाए तो 230 शेयर्स रखा गया एक लॉट के अंदर, मिनिमम रिटेल ले सकते हैं। और इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब 36 करोड़ का ये आईपीओ, जैसे मैंने आपसे पहले ही बता चुका है लास्ट वीडियो में, इसके अंदर एंकर इन्वेस्टर के जरिए ऑलरेडी 30 करोड़ इसके अंदर इन्वेस्ट के जरिए आ चुका है, और साथ साथ में बचा है 36 करोड़ उसके अंदर ही हम सबको मिलने वाला है। फिलहाल देखते हैं इसके अंदर फ्रेश इशू है पूरा 66 करोड़ 30 लाख। और लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये हमको लिस्ट होते हुए दिखाई देगा, BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, और साथ साथ में देखेंगे और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ के कोटे के बारे में। तो जो इसके अंदर QIB को ऑफर हुआ है 75% इसके अंदर QIB को ऑफर हुआ है, और HNIs के बारे में बात करते हैं तो 15% इसके अंदर HNIs को भी ऑफर हुआ है। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल को शेयर्स ऑफर हुए हैं इसके अंदर, वो 10% ऑफर हुए हैं। चलो देख लेते हैं आज के डेट में मार्केट के अंदर क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है या वो भी देख लेते हैं, और साथ साथ में जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें चैनल लाइक करते और साथ साथ में सब्सक्राइब। हम बात करें शार्प पॉलीमर्स आईपीओ के बारे में, देखा है तो आज के डेट में इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, करीब करीब 9% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। आज है 30 तारीख, 30 दिसंबर 2022, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, और मेरी टीम की तरफ से और सभी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर सबको हैप्पी न्यू ईयर। और देखा जाए तो करीब करीब ये 9% प्रीमियम पे फिलहाल आज के डेट में चल रहा है। फिलहाल देखते हैं जैसा भी रुझान रहा है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।